गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूँ राम हेम्ब्रम। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कंप्यूटर बेसिक फंडामेंटल के बारे में। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है। इसका आंसर होगा कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। आपको कोई भी पूछे कंप्यूटर क्या है, सबसे पहले आपका यही जवाब होना चाहिए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ठीक है, उसके बाद आप कुछ भी कह सकते हैं इसको, दैट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, दैट इज बिग कैलकुलेटर, कुछ भी आप कह सकते हैं। ठीक है, और इधर दिया हुआ है, इसको दर्शाया गया है मॉनिटर, स्पीकर, कीबोर्ड, माउस, ये सब तो आपको पता होगा। ठीक है, उसका ये सीपीयू का चित्र भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं सीपीयू का चित्र है यहाँ पर। उसका नीचे में मॉनिटर है, सीआरटी मॉनिटर है। सीआरटी का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब, और टीएफटी मॉनिटर होता है जो पतला में आता है, और थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। और टीएफटी का दो प्रकार भी होता है, इसका दो प्रकार है, एक है एलसीडी और एक है एलईडी। एलईडी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, और एलसीडी का लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, आप नोट डाउन कर लें, ये कंप्यूटर फील्ड का बहुत इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म है, आपका जनरल नॉलेज में आ सकता है कभी भी। यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, बहुत सारी चीज के बारे में आप स्टॉप करके इसको देख सकते हैं, लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर बेसिक्स से रिलेटेड, कंप्यूटर बेसिक से रिलेटेड बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट सब यहाँ लिखा हुआ है, उसको आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं उतना सब चीज़ है, कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंफॉर्मेशन, डेटा, सब चीज़ के बारे में दिया हुआ है। अब उतना सब चीज़ के बारे में शायद ही कंप्यूटर बेसिक आप जहाँ पढ़ेंगे शायद उतना सब चीज़ के बारे में आपको बताया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा कंप्यूटर बेसिक में आप मुझे कमेंट कीजिए या ईमेल कर दीजिए मुझे, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा। ठीक है, इससे पहले भी मैं काफ़ी 20 से ज़्यादा वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, अब उसको देख लीजिए। वर्ड, एक्सेल से रिलेटेड, वर्ड से रिलेटेड, एक्सेल से रिलेटेड अभी करूँगा। और कंप्यूटर बेसिक आप ऑनलाइन सीखना चाह रहे हैं यूट्यूब से आप सीख सकते हैं, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल को, मैं आपको सब चीज़ के बारे में बताऊँगा। ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में दिया हुआ है यहाँ पर, ये चीज़ को जिस तरह से टैब कहा जाता है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ रहता है। ये है जैसे एक्टिव टैब है, ये रिबन कहा जाता है, सबको रिबन कहा जाता है, जितना प्रॉपर्टीज इसके अंदर प्रॉपर्टीज या रिबन कहा जाता है। ये देखिए रूलर है, स्केल टाइप का दिखता है इधर या इधर। ये डॉक्यूमेंट हेड है जहाँ लिखा जाता है, डॉक्यूमेंट एरिया है नीचे। इसके बारे में कुछ लाइन लिखा हुआ है, ये है एक्सेल। एक्सेल के बारे में हम अभी स्टार्ट नहीं किए हैं, आप चाहे तो इसका नोट आप लिख सकते हैं। एक्सेल का 2003 वर्जन में इतना रो और इतना कॉलम होता है, 536 रो और 256 कॉलम होता है। और यह एक्सेल शीट इसमें बहुत सारा लाखों रो है, इसमें 16384 कॉलम है 7 वर्जन में, उससे ज़्यादा वर्जन में हो सकता है, ज़्यादा हो जाए, इससे कम तो नहीं होने वाला। ठीक है, इसमें इस तरह से बताया गया है, सेल किसको कहा जाता है, इसको सेल कहा जाता है, इसका नाम है D8 इस तरह से है, और रो इसको कहा जाता है, कॉलम इसको कहा जाता है, फॉर्मूला बार है, ये इस तरह से यहाँ दर्शाया गया है, आप देख के समझ जाएंगे इसको क्या कहा जाता है। एक्सेल के बारे में बहुत विस्तार से बताएंगे, बहुत सारा टॉपिक है, एक्सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा कंपनी में काम में आते हैं, इसलिए आप जरूर सब्सक्राइब करें अगर आप कोई कंपनी में काम करना चाहते हैं। कंप्यूटर बेसिक आपको देखिए, कंप्यूटर बेसिक तो आपका होना ही चाहिए चाहे आप कोई भी कंपनी में काम करें। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया, और आगे मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।